हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वन किचन इक्विपमेंट में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सेमी ऑटोमेटिक रोटी प्रेसिंग मशीन। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा ये रोटी प्रेसिंग मशीन कैसे यूज करते हैं, इसको कैसे चलाते हैं, ये सब मैं आपको आज समझाऊंगा और दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आगे जो रखा गया है उसका पार्ट्स, ये जो बड़ा बड़ा प्लेट है और रोटी निकालने के लिए है, ये जो यहाँ पे आगे दिए गए हुए दो बोल्ट है वो निकाल के वहाँ पे लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये प्लेट बड़ा बड़ा फिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो तीन दिए गए हुए प्लेट है वो रोटी मशीन का अंदर रोटी का थिकनेस सेट करने के लिए है, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। अब भैया मैं यहाँ पे ये साइड में रोटी मशीन में प्लेट सेट करेंगे। तो पहले ओपन करना है, उसके बाद जो ये ब्लैक दो बोल्ट है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से प्लेट वापस फिर दोनों बोल्ट लगा देना है। सेम प्रोसेस दोनों साइड करना है, यहाँ से प्लेट चेंज होता है। प्लेट सेट हो जाने के बाद आपको मशीन में पावर प्लग इन करना है। उसके बाद जो हीटर लिखा हुआ एमसीबी है उसको ऑन करना है। एमसीबी को ऑन करते ही दोनों हीटर स्टार्ट हो जाएगा और आपको टेम्परेचर शो करने लगेगा। जो सेट लिखा हुआ बटन दबाओगे आप तो हीटर कितने पे सेट है वो दिखाएगा। अभी ये हीटर 250 पे सेट है। नीचे वाला हीटर पे भी सेट आप दबाओगे देखोगे तो 250 है। और जब ये ब्लिंक कर रहा हो तो सेट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। प्लस का बटन दबाओगे ऊपर वाला एरो तो प्लस होगा, और माइनस वाला जो एरो है नीचे वाला वो दबाओगे तो कम होगा। जितना चाहिए उतना रखने के बाद वापस सेट का बटन दबाना है तो उतने पे सेट हो जाएगा। ऐसे हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं जरूरियात के हिसाब से, कम ज़्यादा पांच के माध्यम से करना है। जितना टेम्परेचर सेट किया है उतना डिस्प्ले पे आ जाए, उसके बाद मोटर स्टार्टअप करना है। मोटर स्टार्टअप करने के लिए पहले छोटा वाला ग्रीन बटन दबाना है, उसके बाद बड़ा वाला ग्रीन बटन दबाना है। जब मशीन बंद करना हो तो रेड बटन दबा के मोटर बंद कर देना है और एमसीबी बंद कर देना है। अब मशीन स्टार्ट हो जाने के बाद जब ये ऊपर आए तब उसके ऊपर बोल रखना है। ये प्रेस होके रोटी नीचे, ये देखिए वन बाय वन रोटी ऐसे ही कंप्लीट नीचे आती रहेगी। सभी एक ही साइज की और सभी सेम थिकनेस की रोटी मिलेगी। जरूरत के हिसाब से साइज का बोल रखना है। एक घंटे में 800 से 1000 रोटी निकलेगी। ये अपनी रोटी जिस साइज की चाहिए उस साइज की बनाकर कंप्लीट है। तो दोस्तों, ये है सेमी ऑटोमेटिक रोटी प्रेसिंग मशीन।